हाँ तो गाइस, पिछले कुछ दिनों से फ्री फायर इंडिया को लेके काफी सारे गुड न्यूज निकल के आ रहे हैं और आप लोगों ने ये वाला न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा। और इसमें लिखा हुआ है जो गरीना डाटा ट्रांसफर कर रहा था इंडिया में, जो कि नोएडा के योटो डाटा सेंटर पे किया जा रहा था, लेकिन गरीना अब अपने डाटा को नेवी मुंबई वाले योटो डाटा सेंटर पर ट्रांसफर करेगा। और सर्वर का अच्छे से टेस्ट किया जा रहा था कि सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ने पर गेम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और फ्री फायर इंडिया को अच्छे से टेस्ट करने के बाद ही फ्री फायर इंडिया को लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि बहुत जल्द गरीना वाले फ्री फायर इंडिया के लॉन्च डेट का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और हां गाइस, कुछ दिन पहले जो मैंने आप लोगों को फ्री फायर इंडिया का डाउनलोड करने का लिंक दिया था, जो कि फैन मेड था, जिसको देवराज भाई ने बनाया, तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस वाले फ्री फायर इंडिया यानी कि FFI को डाउनलोड करके नहीं खेला है, तो इसका डाउनलोड करने का जो लिंक है ना, मैंने पिन कमेंट पे दे दिया, आप लोग जाके डाउनलोड कर लो। अब बात कर लेते हैं एडवांस सर्वर के बारे में। तो देखो, रिसेंटली OB44 का न्यू अपडेट आया, और आने वाला जो अपडेट है ना, वो आने वाला OB45 का न्यू अपडेट। और OB45 के अपडेट से पहले हम लोगों को OB45 का एडवांस सर्वर देने को मिलने वाला है। और OB45 के एडवांस सर्वर पर हम लोगों को 7th एनिवर्सरी के स्पेशल में काफी सारे कमाल के न्यू अपडेट देने को मिलने वाले। और इस बार का फ्री फायर का जो एनिवर्सरी इवेंट होने वाला है ना, बहुत ज्यादा बड़ा इवेंट होने वाला है। इस बार के एनिवर्सरी इवेंट के अंदर से भी आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड फ्री के मिलने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को फ्री में करेक्टर मिलेंगे, फ्री के बंडल मिलेंगे, फ्री के इमोट मिलेंगे, फ्री के मैजिक मिलेंगे, और भी बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड आप लोगों को फ्री में मिलने वाले हैं। तो एनिवर्सरी के स्पेशल में आप लोगों को कौन कौन से न्यू अपडेट देने को मिलेंगे, वो मैं आप लोगों को एडवांस सर्वर ओपन होने के बाद दिखा दूंगा। और एडवांस सर्वर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। एडवांस सर्वर का डाउनलोड करने का लिंक भी मैं आप लोगों को सबसे पहले दे दूंगा। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में अपना UID लिख के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो।